मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। चैप्टर अपना कल कंप्लीट हो गया था? मॉर्निंग यस मैम। चैप्टर कंप्लीट हो गया था? बोर्ड सबको दिख रहा है ना? कंप्लीट हो गया। दिखाई दे रहा है? यस मैम। आज हम इसके क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर मैम, तो लास्ट वाला समझाना है ना? लास्ट वाला समझाऊं? यस मैम। हां मैम। प्रस्तर तले ली थी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सही बता किता? प्रस्तर तले। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाला करवा रही हूं मैं। लास्ट वाला समझा रही हूं। यस मैम। तरे लता। गुड मॉर्निंग मैम। गुलमा उठ जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। मैडम मेरे को नहीं बोले गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन। म्यूट कर दो अपने आप को। ओके मैडम। नो भवंतु पिस्ता। मैडम। यस मैम, कल आपने बिजी देखा इसका इंडियर? यस। चला दो मिनट में आ गो जो देखी तो हाथ फोन है। मत देखी जी। मैडम देखो ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कल जब जो आपको लास्ट श्लोक भेजा था उसका अनुवाद समझा रही हूँ। वैसे मैंने समझा दिया था लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज समझ नहीं आया था मैडम। ये दोबारा कर ली थी। चुप रहे। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नव भवंतु पिस्ता। प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे। पत्थरों के नीचे। तले मतलब नीचे। लता मतलब बेल। लता मतलब बेल। तरु मतलब वृक्ष। गुलमा मतलब झाड़ियां। नो भवंतु पिस्ता पिस ना जाए। पिस ना जाए कैसे? जैसे ये बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह पत्थरों की बन रही है तो इनको बनाने के लिए वहां जो पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं, वृक्ष हैं, बेल हैं, तो उनको काटा जा रहा है तो yes, ma'am. पत्थरों के नीचे ये पिस ना जाए, ये दब ना जाए। फिर है पाषाणी सभ्यता। पाषाणी सभ्यता। पाषाणी सभ्यता। निसर्गे। पाषाणी सभ्यता निसर्गे। नो समाविष्टा मतलब पथरीली सभ्यता। निसर्गे मतलब प्रकृति में। पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट ना हो जाए। पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट ना हो जाए। मैं मानवों के मानवाय जीवने कामाय। मैं मानवों के जीवन की कामना करता हूँ मरणम उनके मरने की नहीं। कवि कहता है कि मैं मनुष्यों के जीवन की कामना करता हूँ उनके मरने की नहीं, नहीं। ये म्यूट कर दीजिए अपने आप को। जब आपको पूछा जाए ना तभी अनम्यूट किया करो। दोबारा देखो। पाषाणी सभ्यता प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे। लता वृक्ष और झाड़ियां पिस ना जाए मतलब दब ना जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे नो समाविष्टा पृथ्वीली सभ्यता जो है वह प्रकृति में समाविष्ट ना हो। अहम मानवाय जीवने कामाय मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ नो मरण उनके मरने की नहीं। मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ उनके मरने की नहीं। ये वाला समझ में आ गया क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये आवाज किसकी आ रही है सर? वरना मैं यहाँ से सबको म्यूट कर दूंगी।
कर दो सबको मैम, कर दो। ज्यादा रहे केश तेरे में अभ्यास में अत्र जीवितम कीदृशं जातम्। पहला प्रश्न है अपना, समझना है, केवल सुनना है और याद करना है यहीं पे क्लास में। ओके मैडम। पहला है अत्र जीवितम मतलब जीवन, कीदृशं जातम्। अत्र जीवितम् कीदृशं जातम्, यहाँ जीवन कैसा हो गया है, कैसा हो गया है? खराब। कैसा हो गया है? दुर्गम। अच्छा, मतलब यहाँ पे जीवन, प्रकृति में जीवन कैसा हो गया है? दुष्कर हो गया है। प्रकृति में जीवन दुष्कर हो गया है, क्यों? क्यों हो गया है? क्यों हो गया है? क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए प्रकृति में जीवन दुष्कर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखो, महानगर मध्य एनिशम किम प्रचलति? मैम पता नहीं ऐसे कौन कर रहा है। मैम विशेष को चुप कराओ। मैम ये लड़की क्या कर रही है? नहीं खुद तो चुप हो जाओ। मैडम ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे भी जा रही है। आपस में गवर्नमेंट सेशन नहीं करना तो यहाँ पे लोग महानगर मध्ये एनिशम किम प्रचलति? महानगरों में ये जो महानगर है, शहर है, इनमें एनिशम दिन और रात। एनिशम का मतलब क्या होता है? ये जो कोई भी उसको अपने आप को म्यूट करना नहीं आ रहा है क्या? महानगर मध्ये, महानगरों के मध्य एनिशम का मतलब होता है दिन और रात। किम मतलब क्या, प्रचलति मतलब चलता है। महानगरों में रात क्या चलता है? क्या चलता है? कालचक्रम। महानगरों में दिन और रात क्या चलता है? कालचक्रम, लोह रूपी चक्र चलता है। पहला प्रश्न था अत्र जीवितम कीदृशं जातम्, यहाँ जीवन कैसा हो गया है? तो दुर्वहम, दुष्कर हो गया है। फिर है महानगर मध्य एनिशम किम प्रचलति, महानगरों में दिन और रात क्या चलता है? लोह रूपी चक्र। फिर तीसरा है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम प्रचलति, देख मेरा नाम जब आता है तो हिमांशु मीणा, मीणा जी, हिमांशु मीणा, मीणा उज्जवल। चुप हो जाना पहले, तू तो चुप हो जा। शिल्पा याद आ रहा है कि तेरे में? खुद तो चुप हो जा पहले। क्लास पर रिकॉर्ड हो रही है, नीचे में सबको आज बता दूंगी कि ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। मैं यहां से म्यूट। कुत्सित वस्तु मिश्रितम मतलब कुत्सित वस्तु मिश्रित का मतलब क्या होता है? हानिकारक वस्तुएं किसमें मिल गई है? कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, हानिकारक वस्तुओं से मिला हुआ क्या है? क्या है? मैम बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा है। विद्वान पूछती हूँ तब आपकी कोई आवाज नहीं आती, ऐसे आपस में कन्वर्सेशन आप करते रहते हो। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति,
हानिकारक वस्तुओं से मिला हुआ क्या हो गया है? आंसर बताओ। आंसर बताओ। वायु भक्ष्यम। क्या हो गया है? भक्ष्यम, खाने योग्य पदार्थ। भक्ष्य मतलब क्या होता है? खाने योग्य पदार्थों में हानिकारक वस्तुएं मिल गई है। भक्ष्य मतलब खाद्य पदार्थों में कुत्सित वस्तु मतलब हानिकारक वस्तुएं मिल गई है। फिर चौथा प्रश्न है अपना, आप लोग इतने बड़े हो गए हो, टेंथ क्लास में हो गए हो, लेकिन मैनर्स नहीं है बिल्कुल भी, है ना। जब क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जाए तब आपकी आवाज नहीं आती, ऐसी आवाज आती रहती है। प्रश्न है अहम कस्मै जीवने कामाय। अहम का मतलब है कवि अपने लिए कह रहा है कि मैं किसके जीवन की कामना करता हूं, किसके। आंसर क्या होगा? लास्ट श्लोक में अभी पढ़ाया है मैंने जस्ट, मनुष्य मनुष्य अहम मानवाय 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 अहम मानवाय जीवने का माय न जीवन मरणम, मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ उनके मरने की नहीं। कवि कहता है कि मैं मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ उनके मरने की नहीं। अच्छा ये बताओ इसमें विभक्ति कौन सी है, इसमें कौन सी विभक्ति है और इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन कौन सी है बताओ। कस्मे में तो द्वि, कस्मे में तो मैम तेरे में थ्री दिखती है, कस्मे में तो एक वचन काया है, ते भी चतुर्थी है, मानवाय में कौन सी, इसमें भी चतुर्थी है और इसमें भी चतुर्थी है। रामाय मानवाय कामाय चतुर्थी नहीं है क्या? राम शब्द के रूप याद नहीं है और कस्मै में भी चतुर्थी विभक्ति है, कै शब्द के रूप है, सर्वनाम शब्द है, ठीक है ना। फिर है केशाम माला रमणिया, पांचवा प्रश्न है अपना, केशाम माला रमणिया, किसकी माला सुंदर है, सुशोभित हो रही है, किसकी माला सुशोभित हो रही है? ललित लतायाम, हरित तरुणाम ललित लता नाम। क्या होगा? हरित तरुणाम लतायाम, हरित तरुणाम मैडम सुनाई नहीं दे रहा, ललित लता नाम मैम सुनाई नहीं दे रहा। किसको नहीं दे रहा? मेरे को आवाज नहीं आ रही। यस मैम, हवा आ रही है मैम। मैडम भी नहीं दे रहा, आ रही यार अब आ रही है मैम। हाँ, केसाम माला रमणीया, कौन सी माला रमणीय है, किसकी माला सुंदर है सुशोभित हो रही है? तो हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया, हरे वृक्ष और ललित लताओं की माला क्या है?
रमणीय है, सुंदर है, देखने योग्य है। आप बताओ जो मैंने चार प्रश्न आपको करवाए हैं याद हो गए क्या? पांच प्रश्न? यस मैडम। अत्र जीवन yes. अत्र जीवनम कीदृशं जातम्? दुर्व्यवहारम्। दुर्वहम। 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 फिर है अनिशम महानगर मध्ये किं प्रचलति? कालचक्रम। चक्रम। फिर है वस्तु मिश्रितं किं अस्ति? भक्ष्यम्। भक्ष्यम्। भक्ष्य का मतलब क्या होता है? जी पदार्थ। फिर है हाँ बोल बोल बोल। अहम कस्मै जीवनम कामाय? मानवाय। ललित लता नाम माला कस्मै माला रमणीये? केशम हरितरुणाम। ललित लता नाम माला रमणीये। जिसके पास बुक है ना वो बुक खोल के बैठ जाओ और अपने फोन का जो वॉल्यूम है ना उसको थोड़ा कम कर लो, आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैडम। एक पद वाले हैं हेलो, ये जो लघुत्रात्मक प्रश्न है इसके देखो आप। कवि किमर्थम प्रकृते का संचरणम इच्छत? कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है? बताओ हिंदी में बता दो मैम। क्योंकि पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए। पर्यावरण की शरण में। पर्यावरण की शरण में। किमर्थम? उज्जवल। ये आपस में बातें नहीं, कौन बोल रहा है? उज्जवल। प्रकृति रेव शरणम जायते गमनम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की ही शरण में जाना चाहता है? क्यों? देखो पहले हिंदी में सुन लो। क्योंकि महानगरों में जो प्रदूषण है, जो चारों तरफ पॉल्यूशन वगैरह ये फैल गया है, तो कवि कहता है कि यहाँ जीवन दुष्कर हो गया है, इसलिए हमें प्रकृति की ही शरण में जाना चाहिए। कहाँ जीवन दुष्कर हो गया है? महानगरों में जीवन दुष्कर हो गया है। हो गया। इसका आंसर क्या होगा? कवि नगरेषु जीवनम दुष्करम भवति अतएव कवि प्रकृतिरेव शरणम प्रकृतिरेव शरणम गमनम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है? क्योंकि नगरों में जीवन कैसा हो गया है? दुष्करम भवति, दुष्कर हो गया है नगरों में जीवन। अतएव प्रकृति रेव, ये प्रकृति रेव आगे शरणम लिखा हुआ है ना, प्रकृति रेव शरणम गमनम इच्छति, इसलिए कवि प्रकृति की ही शरण में जाना चाहिए। नेक्स्ट है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिनम भवति? किस कारण से महानगरों में घूमना कठिन हो गया है? बताओ। प्रदूषण। प्रदूषण के कारण। कारणात् संचरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से प्रकृति में घूमना कठिन हो गया है?
बोलो पर्यावरण प्रदूषण के कारण मागेशु जानाना महानगरेशु महानगरेशु क्या हो गया है महानगरी महानगरों में क्या हो गया है प्रदूषण प्रदूषण फैल गया है घूमना कठिन क्यों हो गया है इसमें श्लोक के माध्यम से बताओ कौन से श्लोक से ये प्रश्न लिया गया है इसका आंसर क्या होगा महानगरेशु महानगरों में वाष्पायन माला याना नाम अनंता पंक्तय है धावंती कहने का क्या मतलब है कि महानगरों में यानों की अनंत पंक्तियां दौड़ती है अतएव संचरणम यहाँ पे अतएव अत्र संचरणम कठिनम वर्तते इसलिए यहाँ पे घूमना क्या हो गया है कठिन हो गया है इसमें पूरा श्लोक लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे लिख देंगे ना कि यानों की अनंत पंक्तियां यहाँ पे क्या हो गई है यानों की अनंत पंक्तियां दौड़ती है क्या करती हुई वितरंती ध्वना ध्वनियों को छोड़ती हुई दौड़ती है इसलिए महानगरों में घूमना क्या हो गया है कठिन हो गया है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम बताओ मैम दिखाई नहीं दे रहा बोल रही हूँ ना सुनाई नहीं दे रहा है yes, दिखाई नहीं दे रहा अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम सुनाई तो दे रहा है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम ओ सीता वार तो समझ ले फिर मन पूछे अस्माकं पहले बता मैं तेरे कद पूछू छु अच्छा सही बता चुप रह लोगों को अभी देखो मैं फोन करके बुला ही लेती म्यूट ही करवा देती हूं सर को अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दो बार नहीं तीन बार पूछ सकते हो कि मैडम समझ में नहीं आ रहा लेकिन आपस में कन्वर्सेशन करने से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी नहीं पढ़ पाते हैं इतना तो मैनर्स नहीं ना आप लोगों में कि हम 10th क्लास में हो गए आराम से पढ़ सकते हैं म्यूट कैसे किया जाता है ये सबको पता है yes, ma'am. से आवाज आ रही है क्यों अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है बताओ जलम क्या वायुमंडल जल मंडल जल प्रशम दूषितम वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है फिर नाही निर्मलम जलम नाही निर्मल जल मतलब जलम वायुमंडल दूषित हो गया है जल दूषित हो गया है और पक्षयम धरातल बक्षयम खाने योग्य पदार्थों में क्या मिल गया है हानिकारक वस्तुएं मिल गई है और धरातल धरातल
सितम जातम। क्या क्या दूषित हो गया है? वायुमंडल दूषित हो गया है, जल दूषित हो गया है, भक्ष्य खाने योग्य पदार्थ दूषित हो गया है, धरातल दूषित हो गया है। ये सारी चीजें हमारे पर्यावरण में क्या हो गई है? दूषित हो गई है। फिर है कवि कुत्र संचरणम इच्छति। कवि कहाँ घूमना चाहता है? हिंदी में बता दो। कवि कुत्र संचरणम एकांत कवि एकांत जंगल में घूमना चाहता है। एकांते कांतारे एकांते कांतारे। मैम इसका मतलब क्या होता है? कांतारे मतलब जंगल। अच्छा ये बताओ कि एकांते कांतारे में विभक्ति कौन सी है? मैडम वो क्या एकांते कांतारे में विभक्ति कौन सी है? एकांत जंगल में। हिंदी बता दी मैंने आपको। एकांत जंगल में सप्तमी कौन सी है? सप्तमी रामे सप्तमी है में अधिकरण में पर तो अधिकरण में विभक्ति कौन सी होती है? सप्तमी सप्तमी। स्वस्थ जीवनाय भ्रमणम देखो मैं लिख रही हूँ स्वस्थ जीवनाय ज्यादा मत बोलो तोड़ दो की दृश्य वातावरणे भ्रमणम स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए? बताना है आंसर। शुद्ध वातावरण में शुद्ध या स्वच्छ वातावरण में घूमना चाहिए। अंतिम पद्यांश में कवि किसकी कामना करता है? अंतिम पद्यांश में कवि किसकी कामना करता है? अंतिम पद्यांश कस्माय मानवाय जीवन मानवाय जीवनाय कामाय मानव के जीवन की कामना करता है। मैंने जो आपको चैप्टर पढ़ाया आपने पढ़ा नहीं है ढंग से उसको नहीं पढ़ा मैम समझ में नहीं आया बताने के बाद भी अगर समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा आपको। मैम आ गया समझ हमने तो बता दिया जो पढ़ने वाले संधि विच्छेद संधि तो आपने पढ़ रखी है ना अच्छे से तो वो तो समझ में आई हुई है वो बता दो चलो। पर मैडम बहुत अच्छे से प्रकृति रेव इसका विच्छेद क्या होगा और मैंने भी बताया आपको ये जब चैप्टर में आया था प्रकृति प्लस एव क्या प्रकृति प्लस एव प्रकृति प्लस एव प्रकृति रेव संधि कौन सी है? दीर्घ अच्छा प्रकृति प्लस एव प्लस विसर्ग विसर्ग संधि है कौन सी विसर्ग है? हाँ मैडम वो ही मैडम मैं बताऊँ विसर्ग संधि यहाँ पे विसर्ग का क्या हुआ है बटवारा मैडम आज आ जाएगी आपकी आवाज कल नहीं आएगी कल हो जाएगा आपका इलाज। प्रकृति ही प्लस एव में विसर्ग का क्या हुआ है? थोड़ा दिमाग लगा के देखो विसर्ग विसर्ग का लोप क्या बना है? रे विसर्ग का रे बना है तो कौन सी संधि रुत्व विसर्ग रुत्व संधि है ना रुत्व विसर्ग संधि हो गई। फिर है श्याम देव इसका विच्छेद क्या होगा?
श्यान है प्लस एव, श्यान श्यान है प्लस एव, गलत है मैम, श्यान प्लस श्यान विसर्ग प्लस एव, गलत है। ये जिसके पीछे बच्चे की आवाज आ रही है वो म्यूट कर दो अपने आप को, नहीं आता करना मैम। मैम श्यान प्लस ने एव, गलत है, श्यान विसर्ग प्लस एव, श्याने प्लस एव, मैं प्लस एव, एव। समझ में नहीं आ रहा था मैम, पता नहीं कौन निकाल रहा है, मैडम इसे बंद करवा दो। जिसकी आवाज आ रही है बच्चे की वो अपने आप को म्यूट कर दो, समझ में नहीं आ रहा आपको। सबसे मैडम आप कर दो, क्लास में आती है बच्चों की आवाज, क्यों आती है आपकी क्लास में? आप सबसे बड़ी क्लास है, जब तक जहाँ से मैं ले रही हूँ सिक्स क्लास में किसी की भी बिना मतलब कोई आवाज नहीं आती उन बच्चों की। स्पेशल आपकी क्लास आज आ जाएगी, बता रही हूँ कल से नहीं आएगी आपकी आवाज। शात प्लस ने प्लस एव, इसमें क्या है शात, ते का क्या बना ने, कौन सी संधि हो गई इसमें? प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण बना है, यहाँ पे पांच प्रथम वर्ण है, यहाँ पे पांचवा है, तो पांचवे का क्या बन गया, पहले का क्या बन गया पांचवा बन गया, कौन सी संधि में बनता है? क्या अनुनासिक संधि, कौन सी है अनुनासिक? यहाँ पे तय का नय बन गया, ठीक है, क्या बन गया शान नय, है ना, फिर नय, ये नय पूरा नय है, फिर क्या बन गया नय एव, शात प्लस नय प्लस एव, क्या बना शान नेव। शात का मतलब है नय का मतलब नहीं, एव का मतलब ही। बहिर अंतर जगती, बहिर अंतर अंतर जगती, बही मैम एक तो रह गया अंत है प्लस क्या बना जगती, मैम आपने एक छोड़ दिया, मैं एक छोड़ दिया मैम, एक छोड़ दिया मैडम, एक छोड़ दिया, तीसरा तीसरा वर्ड बोलो कौन सा है? अनंतम, अनंतम हे अनंतम, है ना, यही तो है ना? यस मैम, तो यस मैम, ही प्लस अनंतम, संधि कौन सी हो गई? सर देखो ई है, ई के बाद में ए है, तो क्या बनता है? ई का ये बनता है कौन सी संधि में? कौन सी संधि में मैम? गुण संधि, गुण संधि में बनता है, यण संधि में बनता है, इको यणची, इक के स्थान पे यण हो जाता है अच परे रहते, इक के स्थान पे क्या हो गया यण हो गया, ये हो गया किसके बाद में, ये परे रहते। अब देखो बही अंतर जगती, इसका बन जाएगा रे, तो क्या बन जाएगा बही, ये एस में मिल जाएगा रे अंतर, फिर जगती, इस विसर्ग का भी रे बन जाएगा तो जगती। अब इसमें कौन सी संधि हो गई? अब तो बता दो, ऋत्व विसर्ग, यण ऋत्व, ऋत्व विसर्ग संधि। आसमान नगरात, ये भी बताया हुआ है, क्या बनेगा?
असमान नगरात ने पंचम वर्ण किसका होता है, पांचवा वर्ण रहते हुए। अभी यहाँ पे बताया था मैंने आपको अस्मात प्लस नगरात, अस्मात प्लस नगरात, प्लस नगरात कौन सी विभक्ति है इसमें? यण संधि। अच्छा, यहाँ पे व्यंजन होगा तो यण स्वर संधि कैसे होगा भाई, थोड़ा वो तो सोचो। यहाँ पे व्यंजन है, व्यंजन के बाद में व्यंजन है तो व्यंजन संधि, लेकिन व्यंजन संधि में कौन सी बताई थे भी आपको? सप्तमी। रामात में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। षष्ठी। रामात में षष्ठी होती है तो रामाशय में कौन सी होती है? पंचमी। पंचमी, पंचमी में चतुर्थी। नेक्स्ट है संचरणम। अरे कौन दे रहा है अनुपम को, पीछे क्या होगा? सम प्लस चरणम। इसका मैं का क्या हो गया? अनुस्वार हो गया, मतलब संधि कौन सी हो गई इसमें? अनुस्वार संधि हो गई। फिर है धूमम मुंचति। क्या आएगा? धूमम धूमम तो प्लस एचति, प्लस मुंचति, धूमम प्लस मुंचति। कौन सी संधि है भाई? कौन सी संधि है? अरे मैं का अनुस्वार, मतलब अनुस्वार आपको जहां भी अनुस्वार है ना, अनुस्वार ऊपर उसमें अनुस्वार संधि होती है, जहां भी आपको ऊपर बिंदु दिख जाए वहां अनुस्वार संधि होती है। ठीक है, ये वक्त मैं आपको सेंड कर दूंगी। आज तो आवाज ही आवाज कर रहे हैं सबके सभी। मैम देख रहे हो ना क्या बोल रहे हैं?